मेहता का उल्टा चश्मा। वेलकम वेलकम सिद्धि वेलकम। मैंने उसे कह दिया कि बावरी तेरा जब जी चाहे तो दुकान में आ सकती है, यूं समझ ये दुकान तेरी ही है। वाओ व्हाट अ फैबुलस लाइन। सेठ जी आज का दिन बहुत अच्छा है, मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेना है। हाँ ले ले भाई आराम से ले ले ले। ए नटू का एक मिनट, आप भी आइए, आप भी आइए। हाँ आइए आइए आइए। सेठ जी बावरी आ गई। आ गई मेरी किस्मत आ गई। आओ आओ बावरी आओ और अंदर आओ। नमस्ते कटलाल जी। बावरी जी सेठ जी का नाम चलेगा बागा चलेगा, उसे जो मर्जी बुलाने दे। खट्टा लाल मीठा लाल तुरा लाल तीखा लाल, मैं तो कहता हूँ लाली क्यों, हरा पीला गुलाबी जामुनी जो मर्जी बुला सब चलेगा आज। आज के अभी से सब चलेगा। थैंक यू भाई साहब। अब होम थिएटर रखते हो? हाँ रखते हैं ना नटू काका, होम थिएटर दिखाओ। आइए आइए भाई आइए आइए आइए। भाई साहब आपके पास 3D टीवी है क्या? हाँ हाँ रखते हैं ना जरूर। होगा इनको दिखाओ 3D टीवी दिखाओ। टीवी हाँ, दिखाता हूँ। आइए आइए। बोलिए आपको? मुझे एक DVD प्लेयर चाहिए, आपके पास है? हाँ हाँ है ना, बहुत सारे है, जितने चाहिए उतने मिलेंगे, एक डजन दो डजन तीन डजन। आइए आइए आइए, इनको एक DVD प्लेयर भी दिखा भाई। आइए आइए आइए। वाह बावरी के कदम तो सच में शुभ है, उसके कदम दुकान में पड़ते ही कस्टमर की तो लाइन लग गई। मीठालाल जी। हाँ बोलो बोलो बावरे, तुम्हारे लिए कुछ मंगाऊ, ठंडा गरम नाश्ता फालूदा कुछ? नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कह रही थी, आज मैं बागेश्वर जी को अपने साथ ले जा सकती हूँ। अभी तो थोड़ा मुश्किल होगा बावरी, देख रही हो ना दुकान में कितनी ग्राहकी है। तो शाम को? अरे शौक से शाम को बिंदास ले जाओ, मैं और नटू काका शाम को दुकान एक दो घंटा संभाल लेंगे। हाँ शाम को ले जाओ आराम से। तो अब मैं चलूं, शाम को मैं बागेश्वर जी को लेने आ जाऊंगी। जरूर जरूर जरूर। एक मिनट आओ। ओके बस तुम ऐसे ही मेरी दुकान में आती रहो और अपने शुभ कदम यहाँ रखती रहो। वाह 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 नटू काका, आज तो बहुत अच्छा धंधा हुआ, मजा आ गया। आज तक मैं बावरी को समझ ही नहीं पाया, बेचारी जब भी दुकान में आती थी हरदूत करके मैं निकाल देता था। अपना ही कितना नुकसान कर दिया मैंने। शिव जी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल बिल्कुल नटू काका, बाघा आज आप दोनों पद्मावती भोजनालय में स्पेशल थाली खाना, और जो भी स्वीट हो 4-5 वाट के झपट जाना, और बिल दुकान के खर्चे में लिख देना। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। मैं भी आज घर पे सबके लिए आइसक्रीम लेके जाऊंगा, सरप्राइज दूंगा। वाह जीटिया वाह, मजा आ गया, बहुत अच्छी आइसक्रीम है। अरे भाई जीटिया अभी तो बता, ये आइसक्रीम किस खुशी में है? बताता हूँ पहले। अरे बापूजी की आइसक्रीम कम होगी, थोड़ी और आइसक्रीम दे बापूजी को। अरे बहू बैठ बैठ बैठ, मुझे नहीं चाहिए। अरे ज्यादा ठंडी चीज खाऊंगा तो जुकाम हो जाएगा भाई, तू बता। थोड़ा खाइए कुछ नहीं होगा। अरे ले 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 आइसक्रीम भाई, तू बता ना आइसक्रीम किस खुशी में खिला रहे हो, बता। हाँ वो बताइए बापू जी। हाँ बापू जी, दया धंधे में फिर से तेजी आ गई है बापू जी। क्या बात है भाई, अम्मे बात की जय लगाई जा रही है, आइसक्रीम खाई जा रही है। खिलाइए खिलाइए खिलाइए।
जेठालाल खुशियां मनाई जा रही है, लगता है मेरा पॉजिटिव रहने का नुस्खा काम कर गया है। नहीं नहीं मेहता साहब, पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ नहीं हुआ है, चमत्कार हो गया है। क्या मतलब? चमत्कार ही है, मुझे आज आइसक्रीम मिल गई। मेहता साहब वो बाघा के बावरी है ना, उसके कदम बहुत शुभ है, उसके कदम मेरी दुकान में पड़ते ही पीछे ग्राहकों की लाइन लग जाती है। आज पता चला बावरी मेरी दुकान के लिए बहुत लकी है। क्या कर रहे हो जेठालाल? हाँ आज मैंने अपनी आंखों से देखा, बावरी का दुकान में आते ही पीछे कस्टमर की लाइन लग जाती है। ऐसी बातें कर रहे हो जेठालाल? जेठालाल इन सब बातों पे यकीन करना बंद करो। हाँ तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होता। अरे कितनी बार समझाया जेठा तुझे, मेहनत से ही सब कुछ होता है, मेहनत कर मेहनत। नहीं मेहनत तो मैं करता ही हूँ बापूजी, लेकिन वो कहते हैं ना कि सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, साथ में वो लक ट्रैक्टर भी चाहिए। जेठालाल कहीं तुम लक फैक्टर की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ ओए ओए ओए, वो क्या होता है? भाग्य का तत्व चाचा जी, भाग्य का तत्व। अरे भाग्य भी मेहनत से ही बनता है। नहीं वो आपकी बात बराबर है बापूजी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, आज मैंने अपनी आंखों से देखा, बावरी नहीं आई थी तो उसके पहले मुश्किल से एक दो ग्राहक आते हैं, खरीदी कुछ नहीं करते, बस पूछताछ करते हैं, ढेर सारी पूछताछ करते चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही बावरी ने हमारी दुकान में कदम रखा, उसके पीछे ग्राहकों की लाइन लग गई और सब धड़ाधड़ खरीदी करने लगे। बोलो, तू कुछ भी बोल, ये सब मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। बापूजी मान ले बापू जी। नहीं नहीं जेठालाल, ये सब मैं भी मानने को तैयार नहीं हूँ। अरे मानता तो मैं भी नहीं था पहले, लेकिन अभी जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसको मैं कैसे झुठला सकता हूँ। वैसे मेहता साहब, मेरी माँ भी हमेशा कहती है कि जो अपने शुभ कदम के साथ पधारते हैं ना, तो सामने वाले जो तकलीफ में होते हैं ना, वो तकलीफ में से बाहर निकल जाते हैं। हाँ तो मेहता साहब, मैंने तो अभी सोच लिया। क्या? मैं बावरी को मेरी दुकान में नौकरी पर रख लूंगा। क्या? हाँ है ना, जबरदस्त आइडिया। अरे कैसे जबरदस्त आइडिया जेठालाल, बावरी को क्या अनुभव है इलेक्ट्रॉनिक शॉप का, उसे ये इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचना आता है? अरे उसकी जरूरत ही नहीं है मेहता साहब, सामान बेचने के लिए तो मैं बागा नटू काका तो है ना, मेरे लिए तो बस बावरी मेरी दुकान में अपने शुभ कदम के साथ आए और खाली बैठे, बस मेरा काम हो जाएगा। तो फिर उसके लिए बावरी को नौकरी पे भी रखने की क्या जरूरत है जेठालाल? बावरी दुकान पे तो आती है ना बागा से मिलने, बस उसे आते रहने दो, उसे बागा से मिलता रहने दो, वो आती रहेगी तो उनका भी काम हो जाएगा, और जो तुम्हारा विश्वास है कि उसके आने से ग्राहक आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, तो वो विश्वास भी बना रहेगा। वो मैंने भी सोचा था मेहता साहब, लेकिन उसमें क्या है? फिर मुझे ख्याल आया कि मान लो नौकर नारायण, लेकिन कभी बागा और बावरी का झगड़ा हो गया तो फिर तो बावरी दुकान में आएगी नहीं बाका को मिलने के लिए। बराबर बराबर। ये तो क्या है, मैं बावरी को नौकरी पे ही अगर रख लूं तो झगड़ा हो या कुछ भी हो उसे दुकान में आना ही आना है, है? और दूसरा क्या है मेहता साहब, कि नौकरी की जिम्मेदारी उसके सर पे होगी ना, तो बागा के साथ बाहर घूमने जाने के बारे में सोचेगी ही नहीं। दोनों है नमस्ते से दुकान में रहेंगे और उनका भी काम मेरा भी काम हो जाएगा, है बराबर ना? जैसा तुम ठीक समझो जेठालाल। है दे? मेरा भी वही, जैसा आप ठीक समझे। बस तो फिर कल से बावरी को मैं नौकरी पर रख लेता हूँ और फिर उसके पीछे पीछे कस्टमर की दुकान में लाइन लग जाएगी, धंधे में तेजी ही तेजी। और नटू काका बागा। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सेठ जी। गुड मॉर्निंग बागा। सेठ जी थैंक यू। हाँ सेठ जी थैंक यू। थैंक यू किस लिए, दुकान आने के लिए? अरे भाई दुकान तो मैं आऊंगा ही ना, ये तो मेरी दुकान है। उसमें थैंक यू क्या? गुड वन सेठ जी, गुड वन। अभी बताओ तो सही, थैंक यू किस लिए बोला? कल पद्मावती भोजनालय में एकदम मजा आ गया है? सीताफल बासुंदी थी, सीताफल बासुंदी। ओहो, मैंने और नट्टू काका ने दोनों ने पांच पांच वाट की। सीताफल बासुंदी ओहिया कर गए नट्टू काका। हाँ सेठ जी,
बट आई वॉज लिटल स्लो देन बागा। नटू काका सिर्फ तीन ही वाटी हुई है। अरे भाई समझ में आ गया ये तो। अरे भाई लेकिन इतनी अच्छी बात सुन दी थी तो मेरे लिए थोड़ी पार्सल लेके आनी थी ना। ओ सॉरी सेठ जी, नेक्स्ट टाइम याद रखूंगा। हाँ हाँ। नमस्ते जामुनलाल जी। अरे बावरी आ गए। वेलकम बावरी। बस 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 बावरी के लिए कुछ चाय नाश्ता ठंडा फालूदा जो चाहे लेके जा। पहले कुर्सी दे बिठा उसको बिठा। अरे रुकिए ये क्या कह रहे हैं सेठ जी, बागेश्वर जी तो मेरे भगवान हैं और भक्त भगवान की सेवा करते हैं, भगवान थोड़ी भक्त की सेवा करते हैं। तो कोई बात नहीं मैं सेवा करता हूँ तुम्हारी, क्या चाहिए बोलो मैं बोल के आता हूँ। नहीं नहीं सेठ जी आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप मेरे भगवान हो, मेरे होते हुए आप कैसे जा सकते हैं, मैं बोल के आता हूँ। अरे भाई पर तेरी तो पहले स्थापना हो चुकी है, तू बावरी का भगवान है तू कैसे जा सकता है। वन मिनट सेठ जी, आई थिंक मैं यहाँ किसी का भगवान नहीं हूँ, मैं ही बोल के आता हूँ। बोल बावरी बेटा क्या बोलूँ, ठंडा गरम नाश्ता? नहीं नहीं अभी कुछ नहीं, जब भूख लगेगी तब बताऊंगी। हाँ तो बेझिझक बताना बावरी, बावरी कस्टमर आ रहे। बावरी अपना कोना पकड़ लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए आइए भाई साहब आइए आइए, बोलिए क्या चाहिए। मुझे एक अच्छा बड़ा वाला एलईडी टीवी दिखाइए। बिल्कुल नटू काका एलईडी टीवी दिखाइए। जी जी नटू काका एलईडी बताइए। आइए 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 बोलिए। भाई साहब कोई अच्छा सा फ्रिज दिखाइए। जरूर बागा फ्रिज दिखाओ बढ़िया सा। जी सेठ जी आइए आइए फ्रिज दिखाओ प्लीज। आइए सर। मुझे एक अच्छा टच स्क्रीन फोन दिखाइए, एकदम लेटेस्ट मॉडल। जरूर जरूर। क्या आपका बजट कितना है? बजट का प्रॉब्लम नहीं है। कोई बात नहीं मैं आपको अलग अलग दिखाता हूँ बढ़िया सा। एक मिनट आइए आइए। सेठ जी गुड न्यूज, सुबह सुबह 1.25 लाख की बोनी हो गई। अरे वाह नटू काका वाह, बावरी की जय हो, बावरी की जय हो। क्या सुकनवंती लड़की है, इसके आते ही धंधा दुरंतों से भी तेज दौड़ने लगता है और मैं बेवकूफ तक इसे दुकान में आने से रोकता रहा। बावरी बाघा तुम दोनों जरा मेरे साथ गोडाउन में चलो, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। सेठ जी मैं यही रहता हूँ। थैंक यू। नहीं नहीं इसमें थैंक यू क्या सेठ जी, इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब, भले आई एम अंडर पेड फॉर दिस। क्या भले क्या? कुछ नहीं सेठ जी कुछ नहीं, आप चलिए गोडाउन में चलते हैं। हाँ चलो आइए आइए बावरी जी। एक मिनट बावरी को पहले जाने दे भाई, आगे आइए बावरी सर। आइए बावरी आओ 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 बावरी आओ आओ। वाह बावरी जी वाह, आपके कदम गोडाउन में भी पड़ गए, अब ये गोडाउन कभी खाली नहीं होगा। भाई क्या बोल रहा है, गोडाउन तो खाली होना चाहिए ना। नहीं नहीं सेठ जी मेरा कहने का मतलब है गोडाउन हमेशा भरा रहेगा। अरे फिर वही बात, गोडाउन हमेशा भरा रहेगा मतलब क्या, धंधा ही ना हो माल बिके ही नहीं। नहीं नहीं सेठ जी
मेरा कहने का मतलब है माल बिके गोडाउन खाली हो फिर नए माल से गोडाउन भर जाए ऐसे हमेशा भरा रहेगा। हाँ फिर ठीक है। बैठो बैठो बावरी बैठो बैठो बावरी जी। बताइए सेठ जी क्या जरूरी बात थी? भागा बावरी के लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है। क्या क्या बावरी? मैंने तुम्हें हमेशा के लिए मेरी गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी पर रखने का फैसला ले लिया है। क्या? हाँ, आज से तुम वो क्या कहते हैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की एम्प्लॉई हो गई। एम्प्लॉई? एम्प्लॉई। हाँ वही वही वही। तो कल से रोज सुबह 9 बजे दुकान पे आ जाना बागा के साथ है? संडे को छुट्टी खुश? नहीं नहीं मैं नौकरी नहीं कर सकती। क्यों? वो क्या है ना हमारे खानदान में किसी को नौकरी करने की इजाजत नहीं है। तुम्हारा खानदान में कोई नौकरी नहीं करता? नहीं। तो क्या करते हैं? एक दूसरे को नौकरी करने से रोकते हैं। है तो घर का खर्चा कैसे चलता है? बिजनेस बिजनेस सब बिजनेस करते हैं। हाँ तो घर वाले बिजनेस करते हैं तो उनको बिजनेस करने दो, तुम कुछ अलग करो। इंसान को हमेशा जीवन में कुछ नया कुछ अलग सोचना चाहिए, अलग करना चाहिए। मैंने अगर कुछ अलग सोचा तो मेरे घर वाले आपको इस दुकान से अलग कर देंगे। क्या? हाँ एक बार पता है क्या हुआ, मेरी मौसी की लड़की चिंकी है ना, उसने भी कुछ अलग करने की सोची और नौकरी कर ली। तो जब मेरे घर वालों को पता चला कि चिंकी नौकरी कर रही है तो जहाँ चिंकी नौकरी करती थी उस दुकान में जाकर मेरे घर वालों ने तोड़फोड़ कर दी। क्या? कैसे घर वाले हैं इसके? क्या कर सकते हैं सेठ जी, जैसी जिसकी सोच। तू सोच ले भाई। क्या? कुछ नहीं, तुम्हें नौकरी नहीं करनी है ठीक है मत करो, लेकिन तुम नौकरी करो या ना करो तुम्हें रोज मेरी दुकान पे तो आना ही पड़ेगा। वो तो आप ना कहते हो तब भी आती ही हूँ ना। बस तो ऐसे ही आते रहना। जी बिल्कुल जरूर। सेठ जी अब हम दुकान में जाएं? हाँ जाओ जाओ जाओ। बागा बावरी को जो कुछ चाहिए मंगा के देना है, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, बराबर ध्यान रखना बावरी का। जी सेठ जी थैंक यू। थैंक यू? आपने मुझे वो जिम्मेदारी दी है जो निभाने में मुझे बहुत मजा आने वाला है। Come in. Oh, sorry, सेठ जी आपने किया सॉरी। हाँ चले चली चली। बोल बोल दया। हाँ टप्पू के पापा कैसे हो? एकदम मस्त जबरदस्त। लगता है इस दुकान में घर की अच्छी हुई है। अरे दया सुबह सुबह 1,25,000 रुपए का धंधा हो गया। अरे मुझे तो लगता है अगर ऐसी ही घराकी रही तो जल्द से जल्द नया स्टॉक मंगवाना पड़ेगा। अरे वाह माता जी की कृपा है। हाँ वो तो है। एक मिनट दया दया वो हमारे व्यापारी मंडल के अध्यक्ष श्याम जी भाई का फोन आ रहा है तो मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ ठीक है। कोई बात नहीं। बोलिए बोलिए श्याम जी भाई कैसे याद किया? जेठालाल तुम्हारे खिलाफ व्यापारी मंडल में फरियाद आई है। मैंने क्या किया? वो तुम अभी के अभी व्यापारी मंडल के ऑफिस में आ जाओ सब पता चल जाएगा। हाँ ठीक है मैं अभी आता हूँ। उसमें क्या है? टेंटेंट। अचानक व्यापारी मंडल के चेयरमैन का फोन आया। मैंने फोन की घंटी बजी फिर दिमाग की घंटी बजी भाई जेठालाल के पास अचानक ये फोन, कहीं जेठालाल की कोई कंप्लेन तो नहीं है? किसने की होगी ये कंप्लेन? भाई बड़ी मशक्कत के बाद तो धंधा ठीक ठाक हुआ और ऊपर से अब ये व्यापारी मंडल के चेयरमैन का फोन। बावरी के शुभ कदम पड़ने से ग्राहक भी आने लगे सब कुछ ठीक होने लगा है तो फिर ये शिकायत? कहीं ये बावरी की वजह से ही तो कोई कंप्लेन नहीं है? ये पुरानी कहावत है ना कि जो नजर आता है वो होता नहीं है, जो होता है वो नजर नहीं आता, लेकिन यहाँ जो हो रहा है उसमें अब क्या नजर आने वाला है ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.